कभी यहां खूब गौरैया हुआ करती थी, लेकिन अब वो मुश्किल से ही दिखती हैं। उनके कम होने की एक वजह इंसान और परिंदों के बीच खत्म होते भावनात्मक संबंध को भी माना जाता है, जबकि परिंदे हमारे सबसे पुराने दोस्तों में से एक हैं। आधुनिक इमारतें इस तरह से बनाई जा रही हैं कि उनमें परिंदों के लिए घोंसले बनाने की जगह ही नहीं है। परिंदों को कोई सुराख, कोई दरार या फिर कोई कोना चाहिए होता है। कि झाड़ियां हम लोगों ने काट दी, जितनी बागों में होती थी गार्डन्स के अंदर, सब जगह कंक्रीट और सिविल वर्क हो गया है, तो चिड़िया कहाँ जाए। घर हमने बंद कर दिए, घर भी क्या बंद कर दिए, हमारा दिल छोटा हो गया। अब वो हाउस पैरो थी, घर के अंदर रहती थी, हम उसे घर में भी नहीं आने देते। राकेश खत्री पेशे से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। वे संयोग से गौरैया संरक्षक बन गए। मेरा साउथ दिल्ली में ऑफिस था, तो मैं यहीं से निकला करता था अपनी गाड़ी से, तो मैंने कई बार देखा कि चिड़िया बहुत बड़ी तादाद में, तो बड़ा अच्छा लगता था कि चिड़िया यहाँ पे है। तो मैं एक दिन जब निकला तो मैंने देखा ये लोग कुछ गड्ढे बंद कर रहे हैं जिसके अंदर चिड़िया, जैसे वो आपको पाइप में दिखाई देगा, तो गड्ढे बंद कर रहे थे। तो मैं उतर गया, मैंने कहा भाई आप क्यों बंद कर रहे हैं? तो देख सकते नहीं साहब, ये गंदगी फैलती है। तो मैंने कहा ये चिड़िया ख़त्म हो रही है, आप इसी को हटा रहे हैं यहाँ से? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब, ये तो हमें ऊपर से ऑर्डर दिया है कि हम बंद करेंगे। तो मैं जा रहा था अपने ऑफिस में, इनके मेन ऑफिस पहुंच गया, वहां जाके मैंने बात करी, मैंने कहा ये तो गलत है, आप इस तरीके से कैसे बंद कर सकते हैं? मैंने कहा अगर आप करेंगे तो मैं एनजीटी में जाके कंप्लेंट करूंगा आपकी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को देखती है, वहां शिकायत करने की धमकी काम कर गई। राकेश खत्री ने चंद हफ्तों के भीतर सड़क किनारे 100 कृत्रिम घोंसले बना दिए, जिनमें गौरैया रहने लगी। उन्होंने प्रजनन और अंडे देने भी शुरू कर दिए। अपनी कामयाबी से उत्साहित होकर खत्री ने इको रूट्स फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मकसद परिंदों की पीड़ा को लेकर जागरूकता पैदा करना है। राकेश खत्री अब देश भर में स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी वर्कशॉप करते हैं। वो लोगों को सिखाते हैं कि कैसे शहरों में इन पक्षियों का ख्याल रखा जा सकता है। बस 40 मिनट में आप सीख सकते हैं कि नारियल के रेशों, जूट और बांस की खपच्चियों से घोंसला कैसे बनाया जाता है। परिंदे भी ऐसे ही घोंसला बनाते हैं। चिड़िया हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्दी इकोसिस्टम में रहती है, एक बैरोमीटर है। वो अच्छे जो बहुत खराब इंसेक्ट्स होते हैं जो हार्म कर सकते हैं हमें, उनको वो खा जाती है। प्रोफेसर सुदीप्तो चटर्जी 20 साल से जैव विविधता पर काम कर रहे हैं और मानते हैं कि इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने के लिए गौरैया को बचाना जरूरी है। This is one of the smaller sized species. ये सबसे छोटे आकार की प्रजातियों में से एक है और वैज्ञानिक रूप से ये घरेलू है, मतलब इंसानी बस्तियों के आसपास पाई जाती है। असल में इसका नाम ठीक नहीं है, ये दुनिया भर में मिलती है, लेकिन फिर भी इसकी संख्या घट रही है। समस्या ये है कि प्रजातियों को श्रेणियों में बांटने वाली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे कम चिंता वाली श्रेणी में रखा है। ये क्या है? राकेश खत्री ने अब तक लगभग 1,00,000 घोंसले बनाए हैं और इस संदेश को उन्होंने 3,500 बच्चों तक पहुंचाया है। हमें एक सर्कल बनाना है। वो कहते हैं कि कृत्रिम घोंसलों की सफलता की दर 60% है और इससे शहरों में चिड़ियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिल रही है। अगले 2-3 साल में वो और 2.5 लाख घोंसले बनाना चाहते हैं। आखिरकार शहरों में रहने वाले लोगों के ऐसे प्रयास ही गौरैया को बचाने में मददगार साबित होंगे।